समाजवादी दर्शन में जाति का स्थान नहीं है, लोकतंत्र की बात है, इंसान को इंसान के तौर पहचानने की शर्त है। लेकिन अजीब सा माहौल बनता जा रहा है कि समाजवादी और समाजवाद के नाम पर बनी दलों ने जाति को सर्वोच्च और अपनी मूल पहचान के तौर पेश करना शुरू कर दिया। एक शख्स हैं, खासे नामचीन है देश में, चंद्रशेखर के दर्शन से बहुत प्रेरित हैं, आग्रही हैं, उनके बहुत करीबी रहे हैं, नाम है सूर्य कुमार। आप एक समाजवादी दर्शन के साथ प्रेरित हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में और आपके जो प्रकाश पुंज के तौर पर जिनको आप मानते हैं चंद्रशेखर जी, उनको चंद्रशेखर सिंह के तौर पेश किया जा रहा है मंच पर, ये क्या स्थिति है? असल में आजकल जो समाजवादी राजनीति में लोग सक्रिय हैं, उनको ये नहीं पता है कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। और जो लोग शुरू में समाजवाद के प्रति समर्पित होकर के राजनीति करना शुरू किए थे या जो समाजवाद से प्रेरित होकर राजनीति में आए थे, उनको यह एहसास था कि कम से कम हम जाति के आधार पर राजनीति को आधारित न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं उसमें हमें मानवीय दृष्टिकोण या राष्ट्रीय समस्याएं या मानवीय समस्याएं देश की समस्याओं को लेकर के राजनीति करने का, राजनीति के एजेंडे में देश की समस्याएं ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने कभी जातियों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया था। यही कारण है चंद्रशेखर जी शुरू से ही चंद्रशेखर की तरह पहचाने और जाने गए। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हम लोग पदयात्रा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि चंद्रशेखर किस जाति के हैं। एक जगह मुझे याद है तमिलनाडु में कुछ नाई लोग आए, तो वहाँ सैलून चला रहे थे, उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी नाई है क्या? तो उनका नाई तो नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी नाई है, जो सबसे बड़े नेता हैं, वो नाई के परिवार में पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर जी राजपूत हैं। लेकिन सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, आम जनता में ये भाव नहीं था चंद्रशेखर किस जाति के हैं। आज समाजवादी राजनीति में बैठे लोग जो नए आए, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये लगता है चंद्रशेखर सिंह लिखने से शायद उनका समर्थन ठाकुर लोगों का, छत्तीस लोगों का ज़्यादा मिल जाएगा हमारी पार्टी को, इसलिए वो चंद्रशेखर सिंह के नाम से, बाबू साहब के नाम से उनको संबोधित करते हैं, जो उनके प्रति नितांत अन्याय है। अशोक जी, आपने सिंह कभी नहीं लिखा। समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से अवधारणा सोशलिस्टों की है उसमें जाति नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आपकी विकसित हो रही है उसमें मुस्लिम और यादव के साथ सबसे पहले शुरुआत की गई, अब ये ठाकुर शुरू हो रहा है। जब हम समतावाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे हम लोगों को ये देखना चाहिए कि इस समाज में कौन कोई ऐसा तबका है जो हमारे इस पद्धति से, जो विकास की पद्धति थी, जो एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम था, जो शोषण का सिस्टम था, उसमें कुछ एक वर्ग ऐसा है जो उसमें उसको समान अधिकार, समान अवसर नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में एक तो ये दृष्टिकोण है कि समाजवाद आना चाहिए, तो आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? ऐसे आना चाहिए कि कुछ लोगों को समान अवसर मिले, कुछ लोगों को विशेष अवसर मिले। जब विशेष अवसर दिया जाएगा तो समानता की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, ये तय है। तो विशेष अवसर की दृष्टि से अगर कोई वर्ग हमारे यहाँ वंचित रहा है, शोषित रहा है, या उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है सदियों से, तो उसको आज़ादी के बाद ये निश्चित किया गया था उसको विशेष अवसर भी दिया जाना चाहिए। कानून के समक्ष समानता होने के बावजूद भी उसे एक विशेष अवसर होना चाहिए ताकि वो पिछले दिनों में जो उसके साथ अत्याचार अनाचार हुआ है उससे वो मुक्त पा सके और वो भी अपना मानवीय मर्यादा की जिंदगी बिता सके। लेकिन मैं जहाँ तक व्यक्तिगत स्तर में समझता हूँ कि उनके जैसा साधारण जिंदगी जीने वाला, उनके जैसा सामान्य रूप से मिलने वाला जो भी आदमी उनके सामने खड़ा होता था, उनके बराबर की हैसियत समझ करके वो बात करते, वो भी खुद भी वो अपने को चंद्रशेखर के बराबर की हैसियत समझ करके बात करता रहता था। उन्होंने कई ट्रस्ट बनाए आपके, उन्होंने पूरे देश में जिसमें एक बोंसी भी है, ये कितने कुल ट्रस्ट के आश्रम बनाए उन्होंने? सर ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट तो बहुत बने होंगे। चंद्रशेखर जी के, उनके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से एक ट्रस्ट बना, उनकी जन्मभूमि पर बना, उसको चंद्रशेखर जी ने बनाया। आचार्य नरेंद्र के नाम से एक सोसाइटी बनी जिसमें एक स्कूल चल रहा है, वो बनाया। लेकिन जो विशेष बात हो रही है, जिस संदर्भ में आप सवाल कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वो संदर्भ है चंद्रशेखर जी का
6 जनवरी 1983 से कन्याकुमारी से की गई पदयात्रा की शुरुआत, उसमें मैं शामिल रहा और लगातार 5 महीने 20 दिन की पदयात्रा थी। 6 जनवरी की शुरू हुई और 25 जून को ख़त्म हुई थी दिल्ली में राजघाट में। गांधी मंडपम कन्याकुमारी से शुरू हुई और राजघाट में गांधी समाधि पर ख़त्म हुई। इस बीच में मैं गवाह हूँ, मैं चल रहा था जब, तो चंद्रशेखर जी ने कहा भाई ये खर्चा कैसे चलेगा पदयात्रा का, तो उन्होंने कहा मांगिए, तो उन्होंने मांगना शुरू किया। तो 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो जो देता था वो ले लेते थे, और कभी कभी लोग फोटो खिंचाने के 5-5 रुपये देते थे, और वो पैसा मैं इकट्ठा करता था। तो अंत में 5,25,000 या कितने रुपये वो इकट्ठा हुए जो मुझे याद है जहाँ तक है। और जब हम लोग दिल्ली पहुँच गए तो ये विचार आया कि बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर आप पदयात्रा किए क्यों। चंद्रशेखर का जवाब था कि मैं जनता की समस्याओं से साक्षात करने के लिए पदयात्रा किया। लोग कहे आप तो गांव में पैदा ही हुई है, साक्षात्कार आपका हो चुका है, पर वो ठीक है हो चुका, लेकिन बहुत दिन से मैं MP रहा हूँ, शायद उससे कट गया हूँ। आज जब सामने सामने जाकर खड़ा होऊंगा तो शायद मेरे दिल में उन समस्याओं के प्रति ज़्यादा समर्पण पैदा हो जाएगा, इसलिए मैंने पदयात्रा किया। और वहाँ जो समझ में आई बात कि 5 चीज़ ऐसी हैं, 5 बिंदु पर अगर देश की सरकारें काम कर जाएँ, समाज काम कर जाए, तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। जैसे 5 बिंदु थे, एक था शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, पीने लायक पानी, सांप्रदायिक सद्भाव और कुपोषण से बचाओ, महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का, इस तरीके से, और आदिवासी तथा हरिजनों को मानवीय जिंदगी प्रदान करने की कोशिश। चंद्रशेखर जी की एक राय थी, हम लोग का सिद्धांत था कि हम किसी से सरकार से कोई एड ग्रांट नहीं लेंगे। कभी ने कहा भोंसी के बाबा। चंद्रशेखर का सबसे बड़ा योगदान क्या देखते हैं? सबसे बड़ा योगदान तो ये देखते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी शोषित दलित और पिछड़े वर्गों के लिए एक मानवीय मुद्दों को उठाते हुए उनके सवालों को राजनीति में स्थापित किया। सबसे बड़ा तो दृष्टि है मेरे ख्याल से उनका योगदान है, और इसका गवाह यह है कि काशीराम जी एक बार जब प्रधानमंत्री बन गए चंद्रशेखर जी, तो वो बिना सत समर्थन करने आए, और उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी आपसे ज़्यादा कोई समाजवाद को नहीं समझता है, आपसे ज़्यादा कोई शोषित दलित वंचित पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाया है, लेकिन नेता मैं हूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदाइश सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, तो पैदाइश का महत्व होने के नाते उनको वो शायद जनसमर्थन नहीं मिला। जनसंघ से मतलब RSS के पहले हिंदू सभा, फिर RSS, उसके बाद भारतीय जनता, जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। आपका शुरू से ही ध्येय था कि उस जातिवादी और धार्मिक आधारित राजनीति से राजनीति को अलग किया जाए, लेकिन आपके लाख कोशिशों के बावजूद ये भाजपा और सरकार में अपना पैर देश में जड़े जमा दी है, ये असफलता है आपकी या सफलता? देखिए, इस सवाल का जवाब एक ही है कि जो मानवीय मानसिकता होती है समाज की, वो कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण को ज़्यादा पसंद कर ले। जिम्मेदार कौन है आप? हाँ, जिम्मेदार पूरा समाज है, हम भी हैं उसमें, इसलिए जिम्मेदार है कि हम शायद उस लेवल पर, उस स्तर पर हम समझा नहीं सके। हम तो ये देखना चाहते हैं तुलनात्मक अध्ययन में कि योगदान श्रेष्ठ स्तर पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर का था या राहुल का? नहीं, राहुल गांधी का दूसरा दृष्टिकोण था। राहुल, आज के समय जो माहौल है वो एक घृणात्मक राजनीति को, घृणा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और एक घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति पूरे देश में फैलाई जा रही है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल करके दोनों तबकों को समझाने की कोशिश की कि देश तभी बनेगा जब हम मिल करके एक रहेंगे। समाजवादी पार्टी क्या तस्वीर को बदल पाने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश या पूरे देश में? यह तस्वीर तो देश की जनता बदलेगी, और जनता की जो सोच बदल रही है उस दृष्टि से हम समझ रहे हैं कि जनता ने ऐसा निर्णायक अवसर आएगा जिस पर वो बहुत बड़ा निर्णय लेगी, और देश में जो गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने जो सपना देखा था, जिस राष्ट्रवाद का सपना देखा था, वो सपना फिर क्षरण नहीं होगा, वो स्थापित होगा और आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई प्रभावी संगठन है तो कांग्रेस का है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है और वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, और इस यह भी निश्चित है कि उसका अप्रोच, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो पहचान है वो राष्ट्रीय है, तो बाकी लोग उसमें
उस अलायंस में शामिल होंगे और एक बहुत मजबूत अलायंस बनेगा जो राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर करके आएगा। जनता को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कुमार जी। तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है? जनता समझ आता है और जब हम लोग तो उसके एक वो है बीच के माध्यम है कि हम उनकी आवाज़ को तेजी उठाते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमारी आवाज़ को समझ लेते हैं, उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ एक हो जाती है और एक क्रांति और रिवोल्यूशन हो जाता है। तो दसियों साल 15 साल लग जाता है किसी काम को करते करते, फिर एक जमाना ऐसा आता है कि जनता कहती नहीं ये सही है, इनकी बात सही है। ये तब कब कब हो जाएगा? ये हो जल्दी होगा। कब? बहुत जल्दी होगा। अब तो राजनीति के नजूमी है, कब हो जाएगा? बस अगला इलेक्शन लोकसभा का या इसका? दोनों में। अच्छा, चीजें बदल जाएंगी। चीजें बदल जाएंगी। जिस बहराइच के आप रहने वाले हैं, एक भी व्यक्ति, कोई भी नेता वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं बना पाया, चाहे जोगिंदर सिंह रहे हों, चाहे आपके सब समर्पण वाले केरल के जो राज्यपाल हैं वो है, ये क्या कारण है? बहराइच के कुछ पानी ही कुछ गड़बड़ है या? ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। राष्ट्रीय नेतृत्व में पहुंचना और राष्ट्रीय राजनीति करना आसान नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी परिवेश से बंधा होता है और वो मिला जुला करके अपने को एक परिवेश में बांध लेता है। जब वो एक विशेष परिवेश में बांध लेता है तो वो अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेता है। चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय नेता इसलिए बने कि उन्होंने प्रदेश की राजनीति नहीं किया, उन्होंने अपने को राष्ट्रीय परिवेश में ही बांधा और राष्ट्रीय परिवेश में बांधकर उन्होंने सारी ज़िंदगी बात किया राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्रीय नेता बने। अब जब जो स्थानीय बात करेगा, जो प्रदेश की बात करेगा, वो प्रदेश का नेता होगा। मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं किया तो राष्ट्रीय नेता नहीं बने। जो राष्ट्रीय स्तर की बात करता है राष्ट्रीय नेता बन जाता है, जो दुनिया की बात करता है दुनिया का नेता बन जाता है। तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो दुनिया का नेतृत्व किए हैं। और सबसे अच्छा जीवन का क्षण कौन सा था? सबसे अच्छा क्षण किसको मैं कहूँ, मेरे ख्याल से मैं साइकिल यात्रा कर रहा था, उत्तर प्रदेश के जनता पार्टी का मंत्री था, जनरल सेक्रेटरी, और मैं साइकिल यात्रा अपने आप ही शुरू किया। चंद्रशेखर जी की पदयात्रा के पहले की बात है, मेरे दिमाग में आया कि पार्टी टूट गई है, छोटी बन गई है, जनता पार्टी टूट गई थी तो चंद्रशेखर जी की पार्टी छोटी हो गई थी जिसमें मैं था। तो हमने कहा साइकिल यात्रा करके प्रदेश भर में लोगों कार्यकर्ताओं को जागृत किया जाए और नए कार्यकर्ताओं का रिक्रूटमेंट किया जाए, भर्ती किया जाए। तो मैंने आधे प्रदेश की, लगभग पूरे प्रदेश की साइकिल यात्रा कर डाली। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने मुझको बुलाया और कहा कि भाई पदयात्रा करना है, क्या आप चल सकते हैं? वो क्षण सबसे सुखद था। आप स्थानीय नेता नहीं, आपने स्वीकार कर लिया, आप राष्ट्रीय स्तर पे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सोच भी आपके पास होगी। क्या हमें बताएंगे कि फिलिस्तीन और इसराइल में जो ये विवाद हो रहा है उसमें रमुल्ला मारे गए हैं, ये आपको सीन कैसा दिखाई पड़ता? मेरे विचार से कोई भी हिंसा या लड़ाई या युद्ध इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तो ये है सूर्य कुमार जी, अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सूर्य को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।